हेलो दोस्तों, आज हम लगाएंगे ये मधुकामनी का प्लांट। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, ये पौधा भी बहुत अच्छा होता है। इसको प्रॉपर धूप चाहिए होती है और इसको आज हम लगाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए वर्मी कंपोस्ट, मिट्टी। मिट्टी को अच्छे से साफ कर लेना है, इसका जो वेस्ट है साइड में रख देना है। फिर एक गमला चाहिए, गमले में हमें सही चेक करना है इसमें होल है या नहीं। अगर होल नहीं होगा तो पानी रुकेगा, पानी रुकेगा तो वो प्लांट को सड़ने में हेल्प करेगा, और अगर होल होगा तो पानी नहीं रुकेगा और वो पौधे की ग्रोथ को हेल्प करेगा। इस दोनों को मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी। हल्दी हल्दी से इसमें फंगस नहीं लगेगा, प्लस जो कीड़े होते हैं चींटियाँ या छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं वो इसमें नहीं होंगे, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इस पे जो ये पन्नी है इसको धीरे इसको अच्छे से इससे हटा देंगे। फिर इसको जो ये मिट्टी है ना, धीरे धीरे ऐसे जितना हटा पाएंगे उतना हटा देंगे। फिर हम इसको इसमें प्लांट कर देंगे। और थोड़ी सी हल्दी को इसमें हल्का हल्का से डाल देंगे। हल्दी के तो वैसे ही फ़ायदे हैं, ब्यूटी में भी यूज होती है, खाने में भी यूज़ होती है, पेड़ पौधे में भी यूज़ कर सकते हैं। धरती ने हमें कितना कुछ दिया और हम धरती को क्या देते हैं, पॉल्यूशन। तो जितना हो सके ऑर्गेनिक चीज़ों पे ही आना चाहिए। अब हम इसमें मिट्टी डालेंगे। हमारा प्लांट लग गया। अब हम इसको 1 से 2 दिन धूप, ज़्यादा धूप नहीं लगने देंगे। फिर उसके बाद इसको प्रॉपर धूप पे रख देंगे। इसको धूप चाहिए होती है, वैसे भी अब तो धूप धीमी हो गई है, उतनी धूप नहीं लगेगी। और इसके जो फ्लावर है ना, ये मार्च में ही आएंगे अच्छे से, सर्दी में इसके फ्लावर कम हो जाते हैं। कैसा लगा मुझे बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू गाइज़।